नवीं कक्षा के बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है बहुपद। ये बहुपद अगली कक्षा यानी 10वीं कक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी अध्याय है। इसके बिना आप द्विघात बहुपद और भी बहुत सारे बीजगणित के अध्यायों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चैप्टर है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुपद है क्या। आपने इसके पिछली कक्षाओं में देखा है बीजीय व्यंजक, जिसमें चर और अचर दोनों तरह के राशियों का उपयोग होता है, और जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि संक्रियाओं का समावेश होता है। तो यहाँ हम बहुपद की एक सटीक परिभाषा प्राप्त करेंगे। चर के धन पूर्णांकीय घातों में लिखे गए बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किसी बहुपद में चर का होना जरूरी है, और उस चर का घात धन पूर्णांक होना चाहिए। यदि उसका चर का घात धन पूर्णांक के जगह पर ऋण पूर्णांक हो तो ये बहुपद नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका। और बहुपद होने के लिए उसका बीजीय व्यंजक होना भी जरूरी है। बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धन पूर्णांक हो, वो चर एक बार आया हो, दो बार आया है, तीन बार, मैंने अलग अलग पदों में आया है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कहीं भी उसके घात ऋण पूर्णांक न हो अथवा परिमेय संख्या न हो, वो पूर्णांक हो और धन हो। चलिए समझ गए होंगे आप। अब हम तो ये बहुपद एक चर में भी हो सकता है और दो चर में या तीन चर में या बहुत सारे चरों में भी हो सकता है। यानी कि किसी बहुपद में एक से अधिक भी चर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ नवीं कक्षा में जो हमें बहुपद पढ़ना है उसमें एक चर के बहुपद पर ही फोकस है। आप यहाँ एक चर के बहुपद के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। चलिए हम देखते हैं कि एक चर के बहुपद और उसके गुण क्या क्या हैं। एक उदाहरण है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। चर x में लिखा गया एक बहुपद है। यहाँ इस बहुपद के पद x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इत्यादि इस बहुपद के पद हैं। यहाँ एक दो तीन चार पद दिख रहे हैं, तो यह एक चतुष्पदी बहुपद है। अब समझते हैं कि किसी पद में चर और अचर को क्या कहा जाता है। तो चर तो खैर चर ही कहलाता है, किंतु उस चर के साथ जो अचर होता है
गुणा के फॉर्म में, उसको गुणांक कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 4x में चार तो एक अचर यानी कांस्टेंट है और x एक चर है। तब यहाँ चार इस पद का गुणांक कहलाएगा। गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशियंट। यह भी जानना जरूरी है क्योंकि गणित का कोई खास माध्यम नहीं होता, हिंदी इंग्लिश में सामान्य रूप से लोग समझाते हैं समझते हैं, तो हम लिख देते हैं उसकी स्पेलिंग। कोएफिशिएंट दिए गए बहुपद में प्रथम पद एक्स क्यूब है तो इस पद का घात 3 है और चूंकि इस बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात 3 है अतः इस बहुपद का घात 3 होगा। ये बेसिक बातें हैं, एक अंक स्तरीय सवालों को हल करने में इनका बहुत उपयोग होता है। आशा है इन पर आप ध्यान दे रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो जब हम किसी संख्या किसी बहुपद को हम शून्य के रूप में लेते हैं, यानी कि शून्य लिखा हो, तो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। और यदि हम केवल एक अचर ही लिखते हैं जैसे 7, तो 7 के साथ चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो छुपा हुआ है, वो चर x वहाँ छुपा हुआ है और उस चर का मान चर का घात 0 है। किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है, ऐसा आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, तो उसका उपयोग यहाँ हम करेंगे। x का पावर 0 1 हुआ और 7 से गुना होकर 7 ही रह गया, इसीलिए यहाँ 7 लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते एकपदी द्विपदी त्रिपदी बहुपदों के बारे में। यदि यहाँ दिया गया बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से हम भूल जाए कि हटा लेते हैं, हम इतना हटा लेते हैं, ये केवल एक्स क्यूब रहता है तो एकपदी व्यंजक है, केवल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है तो द्विपदी व्यंजक बहुपद है, और अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x रहे तो ये त्रिपदी है, और पूरा का पूरा है तो चतुष्पदी है। तो आशा है इस तरह इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। अब एक चीज है शून्य बहुपद, उसके बारे में थोड़ा सा अलग से जानना जरूरी है। शून्य बहुपद ये क्या चीज है? तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, यदि किसी बहुपद
के सभी गुणांक शून्य हो तो यह बहुपद शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या चीज है? तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ें हैं, इससे आपको इस पाठ से संबंधित एक अंक स्तरीय सवालों को हल करने में मदद मिलेगी।